छत्तीसगढ़ के बलोद जिले में देवर भाभी के बीच चल रहा प्यार मौत का जाकर खत्म हो गया। युवक ने बांध ले जाकर पहले महिला को पानी में डुबाकर मौत के घाट उतारा, फिर घसीटकर सुनसान जगह पर ले जाकर खुद भी फांस लगा ली। शनिवार सुबह दोनों की लाश मिली। घटना जिले के नलकस्सा गांव की है। अब मृतक नीलकंठ धीमर और उसकी भाभी तमेश्वरी धीमर के मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस हादसे के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।